Should I come in? Yes, you can. Sir, you called me. Is everything all right? Actually, nahin. Not really. You know the situation these days. Inflation bahut peak par hai. मेरे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से एक ऑर्डर आया है, उसके साथ एक लिस्ट है एंड दे हैव डिसाइडेड टू डाउनसाइज ड्यू टू द इन्फ्लेशन, और उसमें आपका नाम भी है. मैंने बस इसीलिए आपको बुलाया था, बताने के लिए कि आपकी जर्नी हमारे साथ बस है. सर वाई मी, मैंने तो अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है और मैं टाइम पे डिलीवरी दे रहा हूँ, मैं अच्छा अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं ओवर टाइम बैठ रहा हूँ, लेकिन आप जिनको लाखों रुपए की सैलरी जो ले रहे हैं और वो काम भी इतना नहीं कर रहे, आप उनको निकालें. मेरी 20,000 की नौकरी पे आपको कौन सा इतना बिग लॉस हो जाएगा? आप समझ नहीं रहे, समझना चाहेंगे. सर ये आप अच्छा नहीं कर रहे. ठीक है, मुझे भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है, आप भी मेरी सिचुएशन समझे. हर कोई अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते. देखिए स्नैन, मैं सिर्फ आपको इस वक्त यही फेवर दे सकता हूँ कि इन फ्यूचर अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूँ. Other than that, मेरे और भी कुछ contacts हैं इस industry में. I'll surely recommend you over there. That's all I can do right now. ठीक है? खुदा हाफिज़ फॉर नाउ. यार अम्मा नहीं कह रहे यार, बहुत मूड खराब है. उसे क्या हुआ? यार अम्मी छोड़े, मैं पता करता हूँ, मेरा दोस्त उसी ऑफिस में काम करता है. खुदा के लिए जाए अम्मा यार, वैसे ही मेरा दिमाग घूमा हुआ है. अरे भाई बात सुनो जरा, अली कह रहा तुम्हारी जॉब चली गई है. अरे यार मेरी कोई गलती नहीं है यार. हाँ हाँ, सारी गलती तो हमारी है. तुम्हारे बाप ने इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया तुमको और हम अपनी सारी ख्वाहिशात मारते रहे, कुछ न कर सके हम अपने लिए. अपनी खाला के बेटे को देखो, तुम्हारे साथ ही जॉब लगी थी, पिछले हफ्ते उसको गाड़ी मिली है ऑफिस से. मैंने तो पहले ही कहा था इंजीनियरिंग कर लो पूरी, फील्ड चेंज करने की जरूरत क्या पेश आ गई थी तुम्हें? अरे भाई मैं वीडियोस में अच्छा हूँ, मैं वीडियोस ही बनाऊंगा और मुझे नहीं करना ये सब. अगर इतना ही अच्छा होता तो जॉब से क्यों निकाला जाता? अरे छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, तुम कल से मेरे पास दुकान पर आओ, अपने चाचा के बेटे को देखो दानियाल को, अच्छा खासा सेट हो गया वो, और अब तो बहुत जल्दी वो अपनी दुकान भी करने वाला है. क्या मुसीबत है यार, मुझे कोई समझता ही नहीं है, मुझे तो समझो कोई. बैठ जाइए जरा. यार अब कुछ बताएगा कि हुआ क्या है? क्या बताऊं यार, अबे यार मुझे कुछ समझता ही नहीं है, दुनिया वैसी ही दे रही है मेरी, ऊपर से मेरे माँ बाप.
यार ये सब तो चलता रहता है, सबके माँ बाप यही करते हैं यार। तू तू क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है यार? वो क्या मसला है, डिटेल में बताया, सुन रहा हूँ मैं। क्या बताऊँ यार, हर वक्त कंपैरिजन, मेरे माँ बाप सुनते ही नहीं है। इतना टैलेंटेड हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, जॉब छूट गई, कभी कंपैरिजन, उसको जॉब देखो, उसको गाड़ी मिल रही है, उसको प्रमोशन मिल रहा है, पागल हो गया मैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ यार। और ये ऑफिस वाले डाउन साइजिंग की वजह से मुझे निकाल दिया, और जो डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपये लेके बैठे हुए हैं उनको नहीं निकाला। अब मेरी 20,000 रुपये की सैलरी से उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? और कोई मेरी भी तो सिचुएशन समझे, उनके बाप ने उन पर कितना पैसा लगाया है, और एक मैं हूँ जो अपने पढ़ाई लिखाई खुद ही अपने पैसों से कर रहा हूँ। तुझे पता है तू खुद इतना टैलेंटेड इंसान है, कल को दुनिया को भी पता चल जाएगा। अब तू ये छोड़ा के सोच, वो दानियाल दुकान ले रहा है, अब वो मुझे सिखाएगा कैसे चलना है नहीं चलना। यार अप्स एंड डाउन तो सबकी लाइफ में आते हैं, कल को तुम इसी वक्त को याद करके तो हंसोगे। एक मिनट यार तुम बैठो जरा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा लाता हूँ। और है ना करना क्या है जनाब, ट्रेन के आगे आकर इसने खुदकुशी कर ली है। नहीं?